हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ पेज नंबर थर्टी नाइन ऑफ़ योर कंटेंट बुक एंड हेयर द टास्क इज़ राइट अ लेटर टू योर ग्रैंड फादर एक्सप्लेनिंग अबाउट द वेज अर्ली मैन यूज टू कम्युनिकेट ऑल्सो टॉक अबाउट द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो यहाँ पर आपने अपने ग्रैंड फादर को लेटर लिखना है और उन्हें बताना है कि अर्ली मैन कैसे कम्युनिकेट करते थे साथ में आपको मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में भी उन्हें थोड़ा बताना है इसमें आप एक लेटर के थ्रू ने बताएंगे एंड यू हैव टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर आपको यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर लिखना है इनफॉर्मल लेटर मीन्स जो हम अपने रिलेटिव्स को अपने फ्रेंड्स को सेंड करते हैं तो सबसे ऊपर लेटर लिखने का एक फॉर्मेट होता है ठीक है सबसे ऊपर आपने लिखना होता है अपना एड्रेस जैसे कि आप यहाँ पे मैंने ए बी सी कॉलोनी लिखा है कुछ भी अपना एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं वो लिखेंगे देन किश्तवाड़ जगह आपकी जो डिस्ट्रिक है आपकी वो आप लिखेंगे ठीक है देन आपको एक लाइन छोड़नी होती है फिर डेट लिखेंगे जो आज की डेट होगी जब आप लेटर भेज रहे होंगे उस समय की आप डेट लिखेंगे देन एक लाइन फिर से छोड़ेंगे देन आप यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखेंगे इसे हम सैल्यूटेशन कहते हैं या ग्रीटिंग्स भी कह सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे आप डियर ग्रैंड फादर अगर आप अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं तो आप डियर फ्रेंड इस तरीके से आप लिख सकते हैं डियर मादर डियर फादर तो अगर आप यहाँ पे आप ग्रैंड फ़ादर को लेटर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे डियर ग्रैंड फ़ादर सो अब यहाँ पे आपकी ये बॉडी रहेगी जो आप लेटर में बताना चाहेंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे एंड लास्ट पे जो ये है क्लोजिंग करनी होती है आपने यूर्स लविंगली और अपना नेम ठीक है अब बॉडी में क्या लिखा है आई एम फाइन एंड होप दी सेम विद यू मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट आई हैव नाउ कम टू नो अबाउट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या मतलब है कि मैं बहुत खुश हूँ आपको ये बताते हुए कि अब मुझे डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पता चल गया है अर्ली मैन यूज़ टू कम्युनिकेट यूजिंग साइन एंड सिम्बल्स एंड इन एंशंट टाइम पीपल यूज टू एक्सचेंज देयर मैसेजेस थ्रू पिचन केरियर्स टॉकिंग ड्रम्स एट्सेट्रा एट्ट्रा तो आपको लेटर में बताया गया है कि अर्ली मैंस के बारे में बताना है तो वही यहाँ पे है कि अर्ली मैन कम्युनिकेट करते थे साइन एंड सिंबल यूज़ करके और उसके अलावा जो लोग थे पुराने समय के वो अपने एक्सचेंज करते थे मैसेज़ को किसके थ्रू पैसेंजर पिजन के थ्रू या तो फिर टॉकिंग ड्राम्स के थ्रू ठीक है अब आपको कहा गया है कि कुछ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बताओ तो क्या है बट नाउ सम मॉडर्न मैथड्स हैव कम विच इंक्लूड कंप्यूटर टी वी एट्सट्रा एंड ट्रांसफ़र ऑफ मैसेजेस फ्रॉम ऑल दिस मॉड्स इज़ वेरी ईजी लेकिन अब मॉडर्न मैथड्स में बहुत सारी चीज़ें हैं कंप्यूटर टी वी मोबाइल फ़ोन ये बहुत सारी चीज़ें हैं और इन सब के यूज से हम हमारे मैसेज को ईजली कन्वे कर सकते हैं ईजली एक जगह से दूसरी जगह सेंटर से रिसीवर तक पहुँचा सकते हैं ठीक है तो ये थी इस लेटर की बॉडी एंड लास्ट एंडिंग क्या है यूवर्स लविंगली एक्सवाइजेड यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे ठीक है तो ये था लेटर इनफॉर्मल लेटर ओके सो थैंक यू